दोस्तों वेलकम इन भरत एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 10 स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन है, उस लेसन का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस लेसन में से आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 को। तो देखो ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट है, वो डिपेंड है एक फार्मूले पे। तो वो फार्मूला कौन सा है? तो वो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूले को। डिस्टेंस फार्मूले को पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे के पूरे एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले डिस्टेंस फॉर्मूले में जब जो भी बातें हैं एक्स और वाई, तो हमने पढ़ा था 9 स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। मतलब कोऑर्डिनेट हमें दो तरह के लिखने पड़ते हैं, एक एक्स वन वाई वन और दूसरा एक्स टू एंड वाई टू। जब भी हम किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो देखो अभी हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और इसी पूरे के पूरे फॉर्मूले के ऊपर हमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से, देखो हमें स्क्वायर रूट लिखना है, और स्क्वायर रूट लिखने के बाद उसमें एक्स टू में से हमें एक्स वन को माइनस करके उस ब्रैकेट का स्क्वायर बनाना है। मतलब एक्स टू में से एक्स वन को माइनस करो, ब्रैकेट का स्क्वायर लिखो, उसके बाद प्लस साइन, फिर वाई टू माइनस वाई वन और उस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है एक। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का ये पहला एग्जांपल। पहले एग्जांपल को पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब बच्चों हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल करना है। तो देखो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस एग्जांपल को। पहले तो हमें लेट को एज्यूम करना है, और लेट एज्यूम करने के बाद हमें एक एक कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन लेना है, एंड उसके बाद बी के जो भी कोऑर्डिनेट है उनको हमें एक्स टू और वाई टू एज्यूम करना है। तो देखो एक के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन एज्यूम करो, और बी के कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू एज्यूम करो। तो अभी देखो वी गेट हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी। चलो तो ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, और बी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स टू वाई टू लिख के रखे। तो देखो एक्स वन की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या है टू, उसके बाद वाई वन की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे है थ्री, उसके बाद एक्स टू की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे फोर है, और अभी वाई टू की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर वन है। तो ये सब के सब लिख लो, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यूज लिख लो। अभी हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, कौन से पॉइंट है बच्चों, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अभी यूज करते किन पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ए और बी का। तो ए बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट, अभी फॉर्मूला बनाओ, क्या फॉर्मूला था हमने पढ़ा था, एक्स टू में से एक्स वन को माइनस करके स्क्वायर बनाओ, उसके बाद प्लस का साइन, फिर y2 में से y1 को माइनस करके उसका स्क्वायर बनाओ। अभी देखो यहाँ पे, तो अभी वैल्यूज को पुट अप करेंगे हम। x2 क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 2, फिर ब्रैकेट बनाओ और स्क्वायर बनाओ उसका। चलो y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 1 माइनस, अभी y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, फिर उस ब्रैकेट का स्क्वायर। मतलब x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3, ये वैल्यूज को पुट अप करना है। अभी चलो उसके बाद हमें बनाना है, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, उसका स्क्वायर बनाना है। 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 2, लेकिन ये बड़ा माइनस साइन का है तो माइनस दे दो और इनका स्क्वायर बनाओ। चलो अभी देखो हम फिर आगे सॉल्व करेंगे, ए बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा बच्चों 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या बनेगा प्लस 4। तो अभी ए बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर 4 4 8। अभी हमें क्या करना है, यहां तक भी आप आंसर को सीमित रख सकते हैं, लेकिन आगे क्या, ये कौन सी नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाइड होगा, स्क्वायर के किस नंबर से मल्टीप्लाइड होगा। तो एक तो हमें 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, एक तो 9 से करो, एक तो 16 से करो, एक तो 25 से करो। ये देखो 4 से स्क्वायर के जो नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो इन्हीं नंबर से हमें इसको ये नंबर आनी चाहिए। तो देखो ये तो 4 के टेबल में आएगी,
फोर टू जा एट, मतलब फोर किसका स्क्वायर है, टू का, उसको बाहर निकालो, अंदर क्या बचेंगे टू, तो ए हो गया ए बी, ए बी का डिस्टेंस हमें मिलेगा टू रूट टू। तो इस तरह से हम ए बी के डिस्टेंस को फाइंड कर सकेंगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो क्या मिला हमें ए बी का, ए बी इज इक्वल टू टू रूट टू यूनिट्स, क्या होता है इसका आंसर टू रूट टू यूनिट्स। तो इस तरह से हम ए बी का डिस्टेंस को फाइंड कर। तो अभी हम सॉल्व करेंगे अगला एग्जाम्पल है। तो देखो किस तरह से, पहले तो हमें सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिख लेने के बाद हमें लेट करके इनको लेना है। तो पहले कौन है बच्चों, आर, आर के कोऑर्डिनेट को हमें लेना है एक्स वन वाई वन, एंड उसके बाद एस, एस को लेना है एक्स टू और वाई टू को। अब क्या करो, वी गेट, उनकी वैल्यूज को तो लिखो। चलो ये क्या था, x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था। पेंसिल लेके हमको लिख के लेना है। तो चलो x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी यहाँ पे 0, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, फिर x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, फिर y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5/2, ये लिख के लेना है। सोचो x1 0, y1 -3, x2 0, y2 5/2। अभी हमें डिस्टेंस को ढूंढना है, मतलब फॉर्मूला कौन सा है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो किनका डिस्टेंस ढूंढना है, आरियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट। चलो लिखो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख के लेना है। वही फॉर्मूला जो लिख के लेना है, अभी वैल्यूज को पुट अप करो यहाँ पे। x2 क्या है मेरे पास 0, माइनस x1, x1 भी क्या है बच्चों 0, उनका स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है मेरे पास 5/2, फिर माइनस y1, y1 की वैल्यू मेरे पास है -3, अभी क्या करना है ब्रैकेट का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुटअप किया हमने, x2 की 0, x1 की 0, y2 की 5/2, फिर माइनस, फिर y1 की वैल्यू है -3, उसके बाद ब्रैकेट का स्क्वायर बनाया। चलो 0 में से 0 गए तो 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, प्लस यहाँ पे 5/2, माइनस माइनस प्लस 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी इसमें 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही रहेगा, मतलब देयर फोर आरियस इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट। तो 0 को इसमें ऐड करेंगे तो आंसर वही रहेगा। अभी देखो 2 3 6, इनका मल्टीप्लाइड गुना करते 2 3 6 प्लस ऊपर 5, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 हो गए, और नीचे कौन है 2, फिर इनका क्या है स्क्वायर, ये समझ लेना। 2 3 6 प्लस उसमें 5 को ऐड कर दो, 11 होंगे, और नीचे क्या है 2। अभी देखो बच्चों ज़्यादा सोचो मत, आर एस इज इक्वल टू ये स्क्वायर आर ए स्क्वायर रूट आर ए स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11/2 यूनिट्स, मतलब आर एस का जो डिस्टेंस है वो हमारा आंसर होगा 11/2। अभी हम सॉल्व करेंगे अगला एग्जाम्पल। पहले तो बच्चों हमें लेना है लेट, लेट अभी जो एल के कोऑर्डिनेट है ना उनको हमें लेना है एक्स वन वाई वन, एंड जो एम के कोऑर्डिनेट है उनको हमें लेना है एक्स टू और वाई टू। तो यह हमें लेना है एक्स लेट एज्यूम करने के बाद, वी गेट, अभी हमें वैल्यूज को लिखना है। चलो तो ए था एक्स वन, ए था वाई वन, ए था एक्स टू, ए था वाई टू। तो चलो वी गेट एक्स वन की वैल्यू मुझे मिलेगी 5, y1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 8 माइनस 8, फिर x2 की वैल्यू मुझे मिलेगी -7 और y2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। तो इस तरह से हर एक एग्जाम में हम एग्जाम्पल में हमें लिख के लेना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अभी हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे कि इसका डिस्टेंस निकालना है LM, LM इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट। चलो डिस्टेंस फार्मूला लिखो अभी, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर।
चलो अभी वैल्यूज को पुटअप कराना है। x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, -7, फिर माइनस साइन, देखो x2 की वैल्यू -7, फिर माइनस साइन। अभी x1 की वैल्यू ढूंढो यहाँ पे है 5, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आओ y2 की वैल्यू ढूंढो क्या है मेरे पास, y2 की वैल्यू -3, फिर माइनस, और फिर y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है -8, और ब्रैकेट का स्क्वायर। x2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, x2 की वैल्यू थी -7, फिर मेरे माइनस साइन को लिखा। x1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी 5, अभी ब्रैकेट बना के स्क्वायर बनाया, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, y2 यहाँ पे था -3, फिर माइनस साइन, फिर y1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी -8, और ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो तो यह तो आपको मालूम है, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5 12, तो बड़े 7 है तो बड़े का साइन होगा माइनस, ब्रैकेट स्क्वायर। 1 2 3 साइन है, मतलब पहले को तो लिख के ले लो। अभी देखो माइनस माइनस प्लस और बनेंगे 8, इन ब्रैकेट का स्क्वायर बना। चलो यहाँ पे -12 का स्क्वायर क्या होगा, +144। अब -3 और +8, 8 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 5, और उसका स्क्वायर बनाना। चलो डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, अभी देखो ये था मेरे पास 144 प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25। अभी इन दोनों की एडिशन करेंगे तो होगी 169। अभी देखो ये 169 किसका स्क्वायर है, तो एल एम इज इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर है, मतलब हमें ln मिलेगा 13 यूनिट्स। तो ये सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5 बनेंगे 12 का स्क्वायर बनेगा 144। माइनस तो लिखो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 8 में से 3 गए क्या बचेंगे 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 169 किसका स्क्वायर है 13। तो इस